और मैं कहना चाहता हूं सीरियस होकर उस पत्नी के बारे में तो सोचो। मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूं। आप एक डॉक्टर बन जाओ, 5 लाख पर मंथ इनकम है। आप एक इंजीनियर बन जाओ, 15 लाख पर मंथ इनकम है। आप कुछ भी बन जाओ, आपका टैलेंट आपके साथ चला जाएगा। जिस दिन आप जाओगे, ये 5 लाख आपके साथ गायब हो जाएगा, नहीं मिलेगा इस परिवार को अगले महीने। क्या ताकत है आपके पास? बहुत लोग सीना चौड़ा करके घूमते हैं। मैं विरोध में नहीं हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इस डॉक्टर के पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि 3 महीने बाद इसका रिटायरमेंट है और ये अपने बेटे को कोई ऐसा इंजेक्शन लगाए कि 3 महीने बाद इसका बेटा इसकी जगह 5 लाख पर मंथ कमाने लगे? नो। क्या इस इंजीनियर के पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि 6 महीने बाद ये रिटायर्ड हो रहा है, इसके पास ऐसी कोई मशीन है कि अपने बच्चे को मशीन में डाले और 6 महीने बाद इसकी जगह वो 15 लाख कमाने लगे? क्या बन सकते हो? क्या बड़ा पद ले सकते हो? इस देश के यहां के मुख्यमंत्री बन सकते हो, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन गए, बड़ा पद है, आप राष्ट्रपति हो और 5 दिन बाद आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऑप्शन है आपके पास अपने बच्चे को ऐसी टैबलेट खिलाओ कि 5 दिन बाद आपकी जगह ये राष्ट्रपति बन जाए? नो। कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आपके बाद आपकी जगह आपके परिवार को दे दे। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं, आज इस सिस्टम के आप स्टार रूपी हो, आप सफायर हो, स्टार सफायर हो, डायमंड हो और आपकी इनकम 25 लाख पर मंथ है, कल से भगवान ना करे आप इस दुनिया में ना रहे, अगले ही दिन आपकी पत्नी को डायमंड बनाया जाता है। अगले ही दिन, और अगले ही दिन ये 25 लाख इसके नाम का है जब तक ये जिंदा रहेगी, और जिस दिन ये दुनिया से गई उसके अगले ही दिन इसके बेटे को डायमंड बनाया जाता है। सीरियस, मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, एक बार घर जाके सोचना जरूर उस पत्नी के बारे में, उस बच्चों के बारे में, उस माता पिता के बारे में, और सोचने के बाद दिल से अगर आवाज आती है, आत्मा अगर बोलती है करना चाहिए, कभी मत छोड़ना इसको। और अगर आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही ना दे, मत करना आप इसको। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।